रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के रूपनगर स्थित एपीवी स्टूडियो में, जहां पर जलस एंड प्रिया क्रिशंस द्वारा एक गीत संगीत के अलावा फैशन शो का आयोजन किया गया। उसमें बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक बाल कलाकार मौजूद है, श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा एक ऐसा नाम है जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, अनेकों अवार्ड जीत चुकी है। आइए जानते हैं श्रेया वर्मा से। श्रेया बेटे, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप इस संगीत के अलावा और क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं मेरे गुरुजी से म्यूजिक सीखती हूँ। म्यूजिक के अलावा भी पढ़ाई कर रहे हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ। ये जो आपने संगीत सीख रहे हैं, आप किन से सीख रहे हैं? श्री तिलक मलिक जी से, मेरे गुरुजी। आपके गुरुजी हैं। कब से सीख रहे हैं आप? जब मैं 3.5 साल की थी, 7 ईयर्स से। आप किन किन स्टेज पर गा चुकी हैं अभी तक? वॉइस ऑफ रफ़ी, सारेगामा ऑडिशन एंड इंडियन आइडल जूनियर ऑडिशन। इंडियन आइडल जूनियर ऑडिशन भी। कैसा लग रहा है आपको ये सब? जूनियर आइडल में जब आप गए, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा? वहाँ पे बहुत अच्छे जजेस थे, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा था। अभी जो आप संगीत के क्षेत्र में जा रहे हैं, उसे आप एक पैशन के रूप में या करियर के उसमें देख रहे हैं? मतलब आप सिंगिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? Yes. क्या? मैं एक बहुत अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ। अभी कौन कौन सी आपकी सिंगर जो हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आइडियल हैं? लता जी के। तो उनके जैसा आप गा के नाम कमाना चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को एक जो आपका गाना है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उसके कुछ लाइनें गाकर सुनाइए। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी हाल में, किसी बात पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। क्या बात, बहुत खूब। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात। अभी बचपन से ही इनका हुनर आपने सुना, ये ज़रूर एक दिन बड़ी कलाकार बनेंगी। हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है श्रेया। कैमरामैन शो के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।